हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी फ़ोन पे चलाते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका फ़ोन पे जिस मोबाइल नंबर से बना हुआ है वो मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, या आप लोग चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो फ़ोन पे है जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड उसको वो जो है चेंज हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे और सीख जाएंगे कि फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बता देता हूँ कि फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, फ़ोनपे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो है ऊपर साइड में मिल जाता देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के फ़ोनपे में जितने भी बैंक लिंक होती हैं यहाँ पर आप लोग को शो हो जाती हैं। अब आप लोग को मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर साइड में, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से लोडिंग होता है। अब यहाँ पे मिल जाता है माई फ़ोन पे प्रोफाइल, पेमेंट मेथड और पेमेंट सेटिंग, सेटिंग एंड प्रेफरेंस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मिल जाता है माई फ़ोन पे प्रोफाइल, यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल, माई सेव एड्रेस, KYC और माई फ़ोन पे अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन दिखाए जाएंगे। यहाँ पे चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स इन माई फ़ोन पे अकाउंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ बोल रहा है हाउ डू आई चेंज माई फ़ोन पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। ये बोल रहा है यू कैन नॉट चेंज द मोबाइल नंबर विद विच यू हैव रजिस्टर्ड ऑन फ़ोन पे। इफ़ यू विज टू रजिस्टर्ड फ़ोन पे विद ए डिफरेंट नंबर यू मस्ट डिलीट योर एग्जिटिंग अकाउंट फ़ोन पे अकाउंट एंड क्रिएट ए न्यू अकाउंट विद ए अदर नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे, मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। तो ऊपर साइड में आप लोग को लैंग्वेज मिल जाती है, यहाँ पे ये इंग्लिश है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है मैं अपना मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल नंबर कैसे बदलूँ, यहाँ क्लिक करेंगे और ये बोल रहा है आप उस मोबाइल नंबर को नहीं बदल सकते जिसके साथ आपने फ़ोन पे पर रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आप फ़ोन पे पर एक दूसरा नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूद फ़ोनपे खाते को हटाना होगा और दूसरे नंबर के साथ नया खाता बनाना होगा। तो ये बोल रहा है कि आप लोग अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोग कर क्या सकते हैं, ये वाला जो खाता है इसको सबसे पहले आप लोग इस खाते से पैसा निकाल के जो भी है वॉलेट वगैरह में उसको आप लोग निकाल के और बैंक वगैरह रिमूव करके और यहाँ पे इस अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। और अकाउंट को डिलीट करने के बाद आप लोग जो मोबाइल नंबर चाहते हैं कि ये हमारे फ़ोनपे में लिंक हो जाए तो आप लोग को उस मोबाइल नंबर से दूसरा फ़ोनपे अकाउंट बना लेना होगा। और यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोनपे खाता हटाने के लिए यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फ़ोनपे से खुश नहीं हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो भी अपनी डिटेल डाल के फ़ोनपे अकाउंट को डिलीट कर दीजिए और आप लोग अपना मोबाइल जो दूसरे नंबर से लॉगिन कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे साफ साफ मना कर रहा है कि आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना जो रिसेंट में जो खाता है इसको बंद करके क्लोज करके आप लोग अपना मोबाइल नंबर है दूसरा जिस नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस नंबर से अकाउंट बना लीजिए और आपका जो खाता है फ़ोनपे का उसी नंबर से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे अपना जो फ़ोनपे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, आप लोग अपना जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाएंगे इस अकाउंट को डिलीट करने के बाद तो आप लोग के फ़ोनपे से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर जिस जिस बैंक में लिंक होगा सिर्फ वही खाते आपके फ़ोनपे से लिंक होंगे, ठीक है। तो बाकी की आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना,
टेक केयर, बाय।